सोलन में जहां एक और सोलन का अन्नदाता किसान कोरोना से डरा हुआ है, वहीं अब उसकी फसल के मिल रहे कम दामों से भी वह घबरा रहा है। सोलन की नकदी फसल टमाटर है, लेकिन टमाटर का मूल्य सब्जी मंडियों में नहीं मिल रहा है और कीमतें इतनी गिर चुकी हैं कि किसान टमाटर को मंडियों तक लाने से पहले 10 बार सोच रहा है। किसान कोरोना और फसलों की कीमत दोनों से ही बेहद परेशान है। किसानों को अब घर चलाना बेहद मुश्किल हो चला है। आपको बता दें कि सोलन की मंडी में टमाटर 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक बिक रहा है। यही कारण है किसान टमाटर उगाकर बेहद पछता रहा है और इस इंतजार में है कि कब टमाटर की कीमतों के उछाल आता है। वहीं एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप ने कहा कि उन्हें विदिती है कि टमाटर के रेट अभी किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर वे खुद चिंतित हैं और किसानों के दुख को वे महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अन्य राज्यों से काफी मात्रा में टमाटर आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आज टमाटर लगाने वाले किसानों को अच्छी खबर है कि टमाटर के मूल्य में थोड़ी वृद्धि हुई है और वे आशा करते हैं कि निकट भविष्य में टमाटर की कीमतें और बढ़ेंगी और किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अभी टमाटर का जो है सीजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी निचला टमाटर जो है अपना प्लेन इलाके का जो टमाटर है जो हरियाणा से और पंजाब से आता है, उसकी वजह से वो भी काफ़ी रश पे चला हुआ है। आने वाले दिनों में जो है मेरे को आशा यानी पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसानों को भी जिस तरीके से मटर की हमने जो है फसल को यहाँ से सोलन एपीएमसी ने देश की विभिन्न मंडियों में पहुँचाने का काम किया, ये मैं मानता हूँ कि रेट कम आया हुआ है, लेकिन आज जो है मेरे पास आज की डेट का जो डाटा है वो आज जो है हमारे यहाँ पर 400 रुपये क्विंटल से 800 रुपये क्विंटल के बीच में और 600 की हमने एवरेज आज की एपीएमसी सोलन ने टमाटर की रेट निकाला है। और टमाटर की जो है नीचे हमारे मंडियां जो हैं उसमें जो कोरोना की वजह से मार तो पड़ी है मेरे किसानों को, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, सोलन के और सिरमौर के और अपने एपीएमसी सोलन में जितने भी हमारे किसान लोग फसलें लेके आते हैं, चाहे वो लहसुन की फसल है, चाहे वो टमाटर की है, चाहे शिमला मिर्च की होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जयराम ठाकुर जी की दिशा निर्देशन में और जैसा कि डॉक्टर राजीव सैजल जी जो हमारे जिला के मंत्री हैं उनकी रहनुमाई में जिला सोलन के अंदर जो है कोरोना के टाइम में भी जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं और एपीएमसी सोलन ने भी जो है और हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है और आने वाले समय में टमाटर का जो है हम कोशिश ये करेंगे कि किसानों को मेरे भाइयों को अच्छा रेट मिले।